हम कई लोग हमारे जो क्रिश्चियन है वो डर के मारे कुछ बोलते नहीं, खामोश रहते हैं। एक बारिश हो जाती है तो यहाँ से बंदा ड्यूटी पे नहीं जा सकता। चिन कम्युनिटी के लिए हम लोग कहीं पे जॉब के लिए जाते हैं तो हमें कहते हैं जी सफाई वाली जॉब है। हमारा बाहर कलोनी है जहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी की अक्सरियत है, और ये देखिए नाला है, नाले की वजह से लोगों की अक्सर चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। अब हम लोग यहाँ नाले के ऊपर ही रहते हैं। एक तो यहाँ का पानी साफ नहीं है, बिल्कुल ही पानी साफ नहीं है। फिर इसके अलावा सीवरेज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और फिर गैस का बहुत बड़ा इशू है। लोग मजदूर जॉब पर जाते हैं, मजदूरी पर जाते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है, गैस नहीं आती, लोग रोटी नहीं पका पाते। फिर सिलेंडर भर के लाते हैं तो बहुत महंगी गैस है, लोगों को अफोर्ड करना मुश्किल हो रहा है। यहाँ पे जब जॉब्स पे लोग जा रहे हैं या दूसरी चीज़ें हैं सारी, उनमें पहले ये था कि यहाँ पे काफ़ी लोगों को फैसिलिटेट किया जाता ट्रांसपोर्ट के हवाले से, और अगर कोई बारिश हो जाती है कुछ है तो वो पानी का निकास था, सारी चीज़ें थी। अभी ये एक बारिश हो जाती है तो यहाँ से बंदा ड्यूटी पर नहीं जा सकता। अगर गलियां ने उन्होंने सारी खराबी त्याग दे लो, कोई गली कोई कुछ नहीं, सारी गलियां गंदियां साड़ियां। कोटा जो है ना, कोटे की तो कोई समझ ही नहीं आती है भी है कि नहीं। अगर है तो वो कोई ऊपर मखसूस लोग बैठे हैं जो शायद कोई अपने जानने वाले लोगों को शायद लगवा लेते हो। ऐसी कही कोटे थे तो फिर तो साढ़े लोगों को बहुत घट लगती हैं, कोई नहीं लगती हैं। कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए हम लोग कहीं पे जॉब के लिए जाते हैं तो हमें कहते हैं जी सफाई वाली जॉब है, इससे हटके कोई जॉब नहीं हमें मिलती, कोई पढ़ी लिखी डिसेंट पढ़ाई करने के बावजूद भी। अगर 100 में से कोई एक आधा बंदा वो भी शायद कोई सिफारिश कोई ऐसे वैसा हो जाए, लेकिन प्रॉपर जो 5% कोटा वो हमें नहीं मिलता। आसानियाँ होने से पहले हमें नहीं पता होता ये हो जाना है, इसको कंट्रोल करें, जब हो जाता है तो फिर हर बंदा मुंह में मक्खन लगा के आ जाता है। लास्ट जो हुआ है वो फैसलाबाद में ये क्रॉस वगैरह जलाई गई हैं, उसके बाद देखिए ना, उसके बाद सारे आके खड़े हो गए हैं। उससे पहले नहीं था किसी को पता कि ये मामला हो रहा है या होने वाला, जब मौके पर हो रहा होता है तब नहीं कोई खड़ा होता। दरअसल मतलब ये कि सानिया हो गया, आखिर सिक्योरिटी नहीं है तो होया ना, सब तो वड्डी तो वजूहत है जो कि सिक्योरिटी मिली नहीं है। अगर मिलती भी हो एक बंदा दे देने वो भी फॉर्मैलिटी पूरी करके तो चला जाता। जो भी साड़िया मसीह कलोनिया तो कोई भी मसला बनया ये नवाजशरी की घूमत ही बनया, जोसफ कलोनी वाला वेख लो, जड़ां वाले वेख लो, जिन्हें भी मसायल होए ने या जुनाबाद जो मसले मसाले हुए सन ये सारे इन्हों की घूमत ही होए सन। जब कोई एक वाक्या होता है जैसे जड़ा वाला को होता है ना, से पाकिस्तान पूरी दुनिया क्रिश्चियन जहाँ जहाँ हमारे ओवरसीज हैं वो मुतासर होते हैं मेंटली, यानी कि इमोशनली वो डिस्टर्ब होते हैं। और जो शख्स एक बार इमोशनली डिस्टर्ब हो जाए तो कई साल लग जाते हैं। इसके साथ जो नीचे की नस्ल होती है वो भी मुतासर होती है, खौफ नस्ल दर नस्ल यहाँ पर चलता आ रहा है, यानी कि कम्यूनिटी उस तौर से सिक्योर नहीं है जैसे होना चाहिए। पार्टी के ही नुमाइंदे होते हैं, आम बेस पे ये किसी के साथ नहीं चलते, आम बंदे के साथ ये कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, जो उनको मिलता है वो खुद ही खा जाते हैं। मजदूर बंदा मजदूर ही रहता है, वो कभी भी उस तक कोई वसाइल पहुंचते ही नहीं है। वो सर अब वो ना दे ही होंगे ने, उन्होंने कम ना पता ही होंगे कम करना किस तरह की होना चाहिए, साड़ी मसीहा भैन भरावों की होना चाहिए, ना वो कम कर सकते हैं। वो पहले क्यों उन्होंने उन्हें कुछ मिलया होता तो उन्हें करना की है। कोई भी यहाँ पे नुमाइंदगी हमारे हल्के में नहीं कर रहा, सो एक बंदा है फरियाद भट्टी साहब है, वो थोड़ी बहुत कर देते हैं, वो यंग अभी, वो कोशिश करते रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर तो पार्टी के लिए करते हैं। जैसे इस एरिया में नून लीग है और ये दूसरी क्या है तहरीक इंसाफ है और PP है, और लेकिन हमारे तो नुमाइंदे जो क्रिश्चियन लोग हैं उन्हीं को सपोर्ट कर रहे होते हैं, ना कि वो कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहे होते हैं।
अखबार में कह रहे हैं या न्यूज़ में पता चलता है कि यार ये नून लीग से या फलां पार्टी से ये जो हमारे जो प्रेजेंट हुए हैं वो अकलियती जो हमारी कम्युनिटी है उनको प्रेजेंट कर रहे हैं, हमें तो उसमें जाके पता चलता है। इसके अलावा ना उनकी कुछ सिलेक्शन का हमें पता चलता है और ना ही वो हमारे इलाके में या हम लोगों के साथ मिल के कोई ऐसा काम करते हैं, ये एक ऊपर लेवल की बातें हैं। कुछ नहीं करते, पार्टी नहीं करते, किसी ने किसी वेख्या जो कुछ दिता है? मेरा ख्याल है कि मैं तो अजे तक कुछ नहीं वेख्या कि इन्होंने किसी ने कुछ दिता हो। अपना कामरान महकल वेख लो, इन्हें की किया है, इन्हें की किया है।